पटना जिले के सरकारी स्कूलों के निरीक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने की वजह से बुधवार को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने सभी निरीक्षण पदाधिकारियों को अपने पोषण क्षेत्र में रहकर ही प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। दरअसल इसके पीछे का कारण बताया गया कि प्रखंड में पदस्थापित अधिकतर पदाधिकारी और कर्मी जिला मुख्यालय में आवास लेकर रहते हैं, जिसकी वजह से तय सीमा के अंदर निरीक्षण नहीं कर पा रहे। प्रखंड में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय में 48 घंटे के अंदर आवास लेकर रहना सुनिश्चित करेंगे। आवासन की पूरी व्यवस्था की सूचना डीईओ कार्यालय को मेल के माध्यम से देनी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए सभी 329 निरीक्षणकर्ताओं को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का निर्देश किया है। डीईओ की माने तो 15 अप्रैल को प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग द्वारा सभी निरीक्षणकर्ताओं को प्रत्येक कार्य दिवस में 10 स्कूल का निरीक्षण कर कैमरे से फोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का निर्देश दिया है। राज्य में जारी शिक्षा सुधीर अभियान के तहत आए दिन नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ के जहां सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं, वहीं कुछ शिक्षकों व छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। विभाग का नया प्रयोग स्कूलों में ग्रीष्मावकाश पर हुआ है। आमतौर पर सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश मई के अंतिम सप्ताह से जून के पहले पखवाड़े से शुरू होता है। काफी लंबे समय से यह परिपाटी चली आ रही है, लेकिन इस वर्ष शिक्षा विभाग ने इस परिपाटी को बदल दिया है। पहली बार सरकारी स्कूल में ग्रामीण विकास 15 अप्रैल से 15 मई तक की गई है। इसमें कमजोर बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आना है। शिक्षकों को भी ग्रीष्म विकास में भी नियमित विद्यालय आना है। सरकारी स्कूलों में ग्रीष्म विकास शुरू होने के साथ ही दक्ष कक्षाएं भी लगानी शुरू हो गई है। विभाग ने सरकारी स्कूलों में ग्रीष्म विकास अवधि में पठन पाठन में कमजोर बच्चों के लिए 2 घंटे की विशेष दक्ष कक्षाएं संचालित करने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सोमवार से जिले के स्कूलों में सुबह 8 से 10 बजे तक 10 कक्षाएं लगनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।